नमस्ते फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, फिर से एक बार वैदिक विजन प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। यहाँ हम आप आज उपस्थित हुए हैं। एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो है बाधक के ऊपर, और उसका रेफरेंस मिलेगा जातक पारिजात। और बाधक से अभिचारिक कर्म जन्मांग में कैसे दिखते हैं, तो उसका विवरण दिया हुआ है। छोटा सा श्लोक है, बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा इसमें। तो पहले मैं वो श्लोक का स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ये चोखंबा की बहुत पुरानी ये है, क्या बोलते हैं उसको, पुस्तक है, जी दास। जी सर, उसका ये संस्कृत हिंदी दोनों में लिया हुआ है उसका अर्थ। अलग-अलग ग्रंथ में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा मीनिंग का, लेकिन यहाँ जो मैं समझाऊंगा, जो मैं समझता हूँ, वही समझो। तो चैप्टर नंबर 6 है ये, जातक पारिजात, चैप्टर नंबर 6, श्लोका नंबर 77 ये रहा। तो यहाँ लिखते हैं, चरे विलग्ने रिगुनाथ दृष्टे, कुजे चलाभे स्थिरजे च धर्म, द्वंद्वेस्तरासौ प्रवदेन राणा, रोगम रिपूणाम कृतम अभिचारम। तो ये शत्रु द्वारा अभिचार करने से जो रोग उत्पन्न होता है उसके ऊपर है। तो चरे भी लगने रिपुनाथ दृष्टे कुजे, चर लगना, तीन बात है, चर लगना, स्थिर लगना और द्वंद्व लगना। ओके, तो यस मूवेबल साइन, फिक्स साइन एंड कॉमन साइन। इसमें लावे यानी कि 11th जो हाउस है, वो वहां जो ग्रह बैठा है वो और उसका स्वामी, वो बाधक बन जाए। जी इसी तरह फिक्स साइन है 2, 5, 8, 11, तो उसमें धर्म यानी कि नवा भाव, उसमें बैठा ग्रह और उसका स्वामी बाधक हो जाता है। इसी तरह कॉमन साइन जो है, तो 3, 6, 9, 12, इसमें अस्त यानी कि सातवा भाव, वो उसमें बैठा ग्रह और उसका स्वामी बाधक बन जाता है। ये सिंपल सा है, लेकिन हमें पता है कि बाधक के लिए और दो कंडीशंस है। एक तो ये कि कुछ 8 हाउस का रिजेंबलेंस होना चाहिए। बेसिकली ये 64th D9 का नो मच अधिपति, 9 मास का अधिपति होना चाहिए, जी सर तो 22nd D3 का दृष्टिकोण का अधिपति होना चाहिए। जी फिर दूसरा भी है, या फिर गुलिका का राशि अधिपति या गुलिका का रूलर के साथ बैठा होता है। ये कंडीशंस है बहुत सारे, तो ये हो सकता है। अभी यही जातक पारिजात में अगर आप दशा चैप्टर में जाओगे तो उसका पूरा विवरण दिया है, दशा में कैसे काम करेगा, वो अलग है, वो यहाँ नहीं दिया है। यहाँ हमको एसेस करना है कि दशा कौन सी है, गोचर कौन सा है, तब ये हो सकता है। ये बहुत बड़ा आपके विवेक शक्ति के ऊपर काम करेगा, लेकिन बेसिकली जब मंगल, मंगल कारक है अभिचारिक कर्म का, छठा भाव भी अभिचारिक कर्म का कारक है। केतु को भी ले सकते हो, क्योंकि कुजवत वर्तते केतु, तो ये आप ले सकते हो। और छठा और मंगल दोनों को लिया है, लेकिन 6, 8 बार भाव का स्वामी, यहाँ यहाँ आपको पकड़ना पड़ेगा, 6, 8, 12 भाव का स्वामी अगर बाधक के साथ आ जाते हैं, बाधक ग्रह के साथ, तो कुछ ना कुछ अभिचारिक कर्म होगा। अभी दूसरे डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे कौन, क्योंकि उसमें डेविल माइंडेड होते हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं, तो वहां हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट टच दैट। क्योंकि हमें भी मौलिक विचार रखना है, हमारी भी आर अंडर सम सोशल ऑब्लिगेशंस, तो इस बात में ध्यान में रखते हुए हम यही श्लोक को
समझेंगे। तो ये इतनी बात है, यहाँ सिर्फ दिया है छह भाव को, मान के दिया हुआ है मंगल को, लेकिन आप शनि राहु केतु किसी को भी पकड़ सकते, 6, 8, 12 के स्वामी को भी पकड़ सकते। अभी यहाँ द्विधा ये है कि सूर्य और चंद्र के सिवा हरेक को दो दो राशि का स्वामी बना है, लेकिन फिर भी 6, 8, 12 कोई भी राशि होगी तो आप उसको अभिचारिक कर्म पे कई आशंका बना सकते हो। मूल त्रिकोण राशि है तो अच्छा है, या बाधक ग्रह कौन सा है कैसा है वो मैंने आपको समझा दिया। तो बाधक ग्रह एक बेसिक्स रूल है, केंद्राधिपति बाधक मृत्यु भाग डिग्री, ये सब सबल रीजन नहीं है, ये सबोर्डिनेट है, उसके साथ कुछ और चाहिए। जैसा यहाँ कहा ना कि बाधक के साथ सस्तेस की दृष्टि या सस्तेस के साथ उसका सबल, ये बात ध्यान में रख। अकेला एक बाधक देख के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा है ऐसा है। तो मूलभूत कहने का तात्पर्य ये है कि बाधक के लिए आपको एक और एफ्लिक्शंस ढूंढना पड़ेगा, अगर कुछ अशुभ है तो कौन सा अशुभ है कैसा है वो आपके लॉजिक के आपके प्रूडेंस के ऊपर आधारित है, आपकी विवेक शक्ति काम करेगा। यहाँ हम अभी लेते हैं एक चार्ट लेते हैं, आज वर्ड फाइल नहीं बनाया, सीधा यही ले लेते हैं। कोई बात नहीं, हाँ अभी आया था कुछ। तो कॉमन है साइन, लग्न की कॉमन साइन है मिथुन, जुपिटर अस्त में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, और वो 64th नवमास का स्वामी भी है जी। गुलिका बैठी है मिथुन में, उसका स्वामी बुध के साथ संबंध है। तो 6, 8 बार एट लॉर्ड से हाँ वो भी है, शनि दृष्टि कर रहा है 8वें का स्वामी। तो उसके प्रॉब्लम अनेक है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ अभिचारिक कर्म कुछ होगा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बाधक की सब कंडीशंस अप्लाई हो रही है। अष्टमे शनि से दृष्ट है, द्वादशे से भी शुक्र है, उसके साथ भी संबंध बनाया हुआ है, गुलिका का राशि अधिपति के साथ भी संबंध बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये होगा। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, क्या कोई आउट कास्ट के लड़के के साथ कुछ फ्रेंडशिप या संबंध था और कुछ हुआ लगता है ऐसा, तभी बताया था मुझे कि कुछ बाल काट के लेके गया था। अच्छा सर, वापस बोलिए क्या हुआ था, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, इसमें क्या हुआ था, मैंने पूछा उनको आउटकास्ट लड़के के साथ कुछ संबंध अफेयर जैसा या फ्रेंडशिप कुछ था क्या, और दिख रहा है ना यहाँ संबंध और शनि बैठा है आउटकास्ट, समझ में आ गया, गुरु शुक्र का संबंध है ना। हाँ जी सर, सप्तमेश का। तो बोला था हाँ एक आउटकास्ट का लड़का था, उसका बाल काट के लेके गया था, और ये कब हो गया था ये मैंने नहीं बताया था, वो उन्होंने बताया था, क्योंकि आई वॉज बिट नॉट एबल टू सी एसेस द दशा, तो उन्होंने बताया था कुछ 10-11 में हुआ था, तो केतु की दशा में शुक्र की अंतर दशा में शायद कुछ हुआ होगा, केतु केतु में या केतु शुक्र में, ऐसा मुझे बताया था, उसके प्रॉब्लम अनेक है। तो यहाँ इस तरह से कुछ ना कुछ हम
अगर हमको लग रहा है तो हमें सीधा प्रश्न पूछा जाए, वी शुड बी ऑनेस्ट विथ अवर क्लाइंट। तो कुछ ना कुछ आपको जवाब मिल जाएगा, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो है और शास्त्र बेस है, जी क्योंकि सर, इसमें कई प्रकार के ये होते हैं, कोई गोचर से देखते हैं, कोई वर्षफल से देखते हैं, कोई प्रश्न से ज्यादा देखते हैं। हाँ तो यहाँ नाताल में भी दिया हुआ है, ये एक श्लोक मिला तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर ले। शुक्रिया सर, बहुत ब्यूटीफुल सर। हमेशा हम श्लोकास को डिकोड करते हैं और कोई भी क्लासिक बुक से ही इनका रेफरेंस होता है, तो हम भी सीख जाते हैं कि श्लोक को कैसे डिकोड करना है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस ऑसम सेशन। व्यूअर्स, दोज हु आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट योर बादकेश, वेयर इज योर बादकेश, उनपे किसकी दृष्टि है, और कोई इवेंट, कोई फीडबैक आपके साथ हुआ है तो प्लीज शेयर करें। सर तो सब कमेंट्स पढ़ते हैं, आंसर भी देते हैं, और सर आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का, बहुत थैंक यू। कल्याणमस्तु, निर्विघ्नेन सुखं भवतु, निर्विघ्नेन सुखं भवतु, निर्विघ्नेन सुखं भवतु, कल्याणमस्तु, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।